हेलो इंजीनियर्स, ऑटोकैड चलाना सीख रहे हो? अगर आप लोग अभी बिगनर हैं, ऑटोकैड चलाना सीख रहे हैं, तो आपको एक कमांड बहुत ही मजेदार लग सकती है, क्योंकि वो आपका काम एकदम प्रोफेशनल लेवल का कर देगी। वो है लियर कमांड। लियर कमांड से हम लोग लाइन टाइप सेट कर सकते हैं, लाइन विड्थ सेट कर सकते हैं, लाइन के कलर असाइन कर सकते हैं और उनकी ट्रांसपेरेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो पूरी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं हूं इंजीनियर कॉर्पोरेट ट्रेनर कविन कटायत और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। तो एवरीवन, सबसे पहले हमको चलना पड़ेगा अपने ऑटोकैड पे, और ऑटोकैड में हम कोई नई ड्राइंग ओपन कर लेते हैं या नई ड्राइंग पे घुस जाते हैं और जानते हैं यहाँ पर हम कितने टाइप के लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं। लेयर्स तो जितनी आपकी मर्जी उतने कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले लेयर कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा लेयर प्रॉपर्टीज में। एल ए इसका शॉर्टकट रहता है। एल ए एंटर करेंगे, आप लेयर प्रॉपर्टीज में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे लेयर्स क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है, जैसे ऑल्ट प्लस एन इसका शॉर्टकट रहता है कोई भी नई लेयर क्रिएट करने का। ऑल्ट एन दबाऊंगा न्यू लेयर हो जाएगी, फिर से ऑल्ट एन दबाऊंगा एक और नई लेयर आ जाएगी, फिर से अगर मैं इसको ओके करने के बाद अब ऑल्ट एन करता हूँ नई लेयर, फिर ओके किया ऑल्ट एन, फिर ऑल्ट एन करता हूँ नई लेयर। अब इन लेयरों को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि किसी भी लेयर को हम चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। एक बार ही हमने सेट कर दी तो नहीं है, आपकी मर्जी है। चलो पांच एक लास्ट कर देते हैं ऑल्ट एन। ये छह लेयरों में हम अलग अलग टाइप का काम करेंगे, देखते हैं। सबसे पहली वाली लेयर को हम नाम दे देते हैं यहाँ पर सी ओ, ठीक हो गया, कलर नाम दिया हमने। और इसका बस हम क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे कोई भी कलर, जैसे ब्लू कलर, ये हो गया कलर। यहाँ से टैप करना, कलर चेंज करना है आपको। इसके बाद हम जाते हैं दूसरे वाले में, इसको नाम दे देते हैं हम क्या, इसको नाम देते थे लाइन टाइप, एल टी नाम दे दिया लाइन टाइप, ठीक हो गया। लाइन टाइप में हम इसका लाइन टाइप चेंज करेंगे और कलर भी चेंज करते हैं, ताकि आपको कलर चेंज करने का फिर से एकदम प्रोसेस साफ साफ पता चल जाए। इसको मैं कर देता हूँ रेड। और लाइन टाइप जो है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो ध्यान से देखिएगा, और बाकी अगर एक बार ही में समझ ना आए तो रिवाइज करके देख लेना भाई, ये बहुत काम आता है हमारे। तो यहाँ पर क्या है, हमको लाइन टाइप में एक कंटिन्यूस लाइन मिल रही है, इसके अलावा कोई और लाइन टाइप नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ता है, लोड करना पड़ता है। कहाँ से, ऑटोकैड से। इसकी फाइलों के अंदर बहुत सारे लाइन टाइप होते हैं, हमको बस लोड करके यहाँ पर लाना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर से कोई भी एक लाइन उठा लेंगे। जैसे मैं डैश डैश वाली लाइन उठा लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे को डबल बार डैश डैश वाली में क्लिक करना पड़ेगा और ओके कर देना है, ये हो गया। यहाँ पर ये लाइन टाइप में आप क्या दिखा रहे हैं आपको, ए बी सी डी ना ए सी डी डैश डैश, ठीक हो गया डैश स्पीच। अब हम चलते हैं तीसरे में। तीसरे में हम क्या करना चाहते हैं, तीसरे में हम करते हैं इसको डबल क्लिक करेंगे, आराम से नाम चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसको दे देता हूं मैं क्या, इसको दे देते हैं ट्रांसपेरेंसी। ट्रांस इसका नाम लिख देते हैं, ट्रांसपेरेंसी हम इसकी चेंज करेंगे। ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन भी आपको यहीं पर मिलेगा, आपको अगर ये छोटा लग रहा है तो इसको बड़ा करके देख लीजिए। यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन मिल रहा है जो कि है जीरो। अब ट्रांसपेरेंसी में आपको ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों, कि जितना आप इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, कहाँ पर गया ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट, जहां पर हम जितनी इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे उतना ज्यादा ये ट्रांसपेरेंट होता रहेगा। ये मत समझना कि जीरो रखूंगा तो बिल्कुल दिखेगा ही नहीं, जीरो रखोगे पूरा का पूरा दिखेगा, 99 रखोगे बिल्कुल छोटा सा दिखेगा, अगर 50 रखते हो तो डिम डिम दिखेगा, अगर 70 रखते हो तो थोड़ा डिम से थोड़ा और डिम दिखेगा, ठीक हो गया, समझ रहे हो। मतलब जितना नंबर्स बढ़ते जाएगा उतना ज्यादा गायब होता जाएगा, सिंपल ऐसे समझ सकते हो यार। हम इसको करते हैं कितना 70, चलो 70 हमने ट्रांसपेरेंसी रख दी। अब हम करते हैं इस लेयर 6 को चेंज, इसका नाम रख देता हूं मैं, क्या करें इससे हम चेंज, इसको प्रिंट पे देखते हैं, ठीक हो गया प्रिंट।
नॉट। देखो गाइस इसका प्रिंट नहीं निकलेगा अगर हम प्रिंट निकालना चाहेंगे, और इसको हम चेंज कर देते हैं कहां से इसका, पहले तो कलर चेंज कर देता हूं मैं, कलर कुछ भी रख देता हूं, येलो ही रख, ग्रीन रख देते हैं, चलो ग्रीन मैंने कलर रखा और इसका मैंने प्रिंट कर दिया। और यहां से प्लॉट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इधर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूं तो आपको ये प्लॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस प्लॉट के ऑप्शन को मैंने प्रिंट आउट को बंद कर दिया, ठीक हो गया। बाकी आप ये लॉक लगा सकते हैं कि कोई उसमें चेंजेस ना हो, ठीक हो गया। और लेयर 5 में हम क्या करते थे, लाइन की विड्थ को थोड़ा बढ़ा देते हैं, विड्थ लिख देते हैं, सारे काम कर सकते हैं आप। विड्थ में जाके लाइन विड्थ में हम जाएंगे और जो इसकी थिकनेस है वो रख देते हैं 2.11 है, ओके। और इसका कलर भी हम कर देते हैं थोड़ा सा चेंज, कलर चेंज करके कौन सा रखें जल्दी जल्दी बताओ, चलो रेड वाला ही रख देते हैं, नहीं कलर वाले में हमने कौन सा रखा था, ब्लू, ब्लू रखते हैं इसका कलर, ताकि एक ब्लू से पतली लाइन दिखे एक थिक लाइन दिखे, ठीक हो गया। और जो लास्ट लेयर बची है इसको हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं, इसको ऑफ करते हैं, ऑफ करके कुछ बना के देखेंगे, ठीक हो गया। और इस कलर कलर दे देता हूँ मैं अगेन रेड, और इसको नाम दे देता हूँ मैं ऑफ। बाकी बहुत सारे काम है दोस्तों, आप सारा का सारा आराम से चेक करिए ना दोस्तों। और इसको कर देता हूँ मैं ऑफ, यहाँ से ऑफ एंड ऑन का ऑप्शन है, इसको मैं कर दिया ऑफ, ठीक हो गया। बाकी फ्रीज भी कर सकते हैं आप, जो मर्जी एक एक करके आप यूज कर सकते हैं। अब इतनी सारी लेयरें मैंने बना दी है तो इन पे काम करते रहते हैं, पहले जीरो वाली से, ये जीरो वाली लेयर हमारी स्लाइड में, इसी से एक लाइन बनाते हैं लाइन, ठीक हो गया दोस्तों। अब इसकी लाइन को आगे बढ़ाते हैं हम कलर वाली लाइन से, कलर वाली एल इंटर किया और एक लाइन बना दी, ठीक हो गया। अब अगली लाइन बनाते हैं किससे, एल टी ट्रांसपेरेंसी वाली थी, एल इंटर किया, एल टी में डैश डैश वाली लाइन लगा दी थी, क्या हमने क्या बात कर रहे हो, अच्छा ट्रांसफर थी ना, हाँ एल टी लेयर टाइप था, ओके। ऑफ वाली लेयर पे गए, द टर्न द करंट लेयर ऑफ, हाँ ये तो ऑफ ही है ना हमारी, लेकिन हमको इसको बनाना है, ये देखो बन रहा है लेकिन दिखेगा नहीं हमको। अब करते हैं हम क्या, प्रिंट नॉट में, प्रिंट नॉट में अभी हमने एक और बना दी, चलो इसके बाद चलते हैं हम ट्रांसपेरेंसी में, एक और लेयर बना दे, एक और लाइन बना देते देख लो ट्रांसपेरेंसी का। और एक जाते हैं विड्थ में, जिसकी विड्थ बड़ी थी उसको मैं बनाता हूँ इसी के बदल में, ठीक हो गया दोस्तों। अब दोनों को ऐसे फर्क दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा मुझे आइडिया नहीं है। अब करते हैं इनको कंट्रोल पी, देख रहे होंगे आप यहाँ पर कोई ना कोई हमारा बना हुआ है, कंट्रोल पी जैसे मैं करता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ डिस्प्ले के विंडो में और विंडो को करता हूँ इतना कि मुझे इतने का प्रिंट चाहिए, प्रिंटर नहीं कोई भी, हम ऑटोकैड कुछ भी कर देते हैं। और यहाँ पर देखते हैं क्या क्या दिख रहा है, देखो आपको डिफरेंस दिख रहा है, कौन कौन सी लेयर नहीं दिख रही है आपको, एक तो वो ऑफ वाली जिसका हमने प्लॉट ऑफ किया था और दूसरी वो वाली, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। अरे अब मैं देखो, अब ये तो थी मेरी ओल्ड सेटिंग पे लेयर्स जो जो हमको दिख रही हैं, आप लोग साफ साफ देख रहे हो। अब मैं करता हूँ जिन लेयरों को मैंने ऑफ किया था और जिनका प्रिंट ऑफ किया था, दोनों को ऑन करके देखते हैं और आपको डिफरेंस तब दिखाऊंगा मैं स्क्रीनशॉट खींच के। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ये कर दिया और इसका कंट्रोल पी कर देता हूँ और प्रिंट निकल गया हमारा। प्रिंट निकालने के बाद मैं आपको कहता हूँ देखो डिफरेंस भाई, आपको कुछ ना कुछ दिख रहा है ना। यही सब छोटी छोटी चीजों का यूज करके अपने प्रोफेशनल्स बढ़िया से बढ़िया अट्रैक्टिव ड्राइंग्स बनाते हैं, जिनके कारण उनको काम भी ज्यादा मिलता है और काम आता भी ज्यादा है। अगर आप लोग भी चाहते हैं ऐसे ही अपने करियर में ग्रोथ चाह पाना तो आप लोगों को भी ये छोटी छोटी चीजें सीखनी पड़ेंगी ताकि आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो सके। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक पक्का करना, कमेंट करके बताना आप लोग कहाँ पर फंस रहे हैं, कहाँ पर आपको डाउट आ रहा है ऑटोकैड चलाते टाइम, मैं उसके रिगार्डिंग नई वीडियो लेके आ जाऊंगा। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।